हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल द टाइगर किंग। चैप्टर को फिनिश किया है, दो ही लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद इसका टॉप एमसीक्यू देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी देंगे। ऐसा बात नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, बल्कि चैप्टर पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देंगे। अभी नहीं होगा तो लास्ट में देंगे, क्वेश्चन आंसर रिविजन हो जाएगा। अभी सारा पढ़ लीजिएगा तो भूलने का भी चांस है ना, तो क्वेश्चन आंसर लास्ट में देंगे, अभी एमसीक्यू पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी देंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे। चलिए तो एमसीक्यू पहले पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू से पूरा चैप्टर हम लोग का एकदम रिकॉल हो जाएगा, एक एक पॉइंट, इनर पॉइंट, आउटर पॉइंट, सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़ लिया तो आप खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, बस समझाते चलेंगे हम। और तो खुद से बनाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सर्जन वी आर समन टू, एक सेकेंड, क्या बोल रहा था, हाउ मेनी सर्जन वी आर समन टू अटेंड द टाइगर किंग। टाइगर किंग को अटेंड करने कितने सर्जन को समन करा गया था, यानी बुलावा भेजा गया था। अटेंड क्यों करना उनको, क्योंकि उनका जो होता है ना, किसे जो हाथ में क्या घुस गया था, पियरल हो गया था, जो भी टाइगर किंग का जो खुरप था, बीमार पड़ गए थे, उनका हाथ में इन्फेक्शन फैल गया था, तो उसके कारण तीन सर्जन को बुलाया गया। सॉरी आंसर ही बोल दिए, तीन सर्जन को बुलाया गया। तीन हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि तीन, मैं हमेशा बोला हूँ कि इस चैप्टर में आपको थ्री याद रखना किसी भी हाल में, क्योंकि तीन बार टाइगर किंग बचपन में बोले थे, ठीक है। उसके बाद तीन सर्जन आए थे, उसके बाद 3 लाख रुपये का क्या बोलते हैं, वहाँ ज्वेलरी से, कलकत्ता का ज्वेलरी से उनको पैसा, वहाँ 3 लाख आ गया था। और भी पड़ेगा तो तीन बर्थडे था राजा के बेटा का, 3 बर्थडे था, तो 3 वर्ड हमेशा याद रखना, 3 में कन्फ्यूज नहीं होना है, बाकी हम लोग कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आंसर पर 3 होगा ही होगा। देखिए अगर टर्म 1 के लिए देख रहे हैं 22-23 सेशन, तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर आना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड देख लीजिए, सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस लाइक क्यूज ऑल ओवर इट। ये जो वर्ड है इसमें आपको जो लिटरेरी डिवाइस है उसको बताना है, कौन है, मेटाफर है, सिमली है, इलिट्रेशन है, अपर्सोनिफिकेशन है। तो लिटरेरी डिवाइस मैंने पढ़ा दिया है, सारा चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा चैनल पर डाला हुआ है, और जितना पढ़ा दिया उतना ही से पूछेगा, एक्स्ट्रा कहीं नहीं पूछेगा। तो इसमें कौन सा है बताइए, तो लाइक, तो लाइक का यूज़ कहाँ पर होता है, सिमली में होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिमली में टिक मार देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं सिमली, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, जूम भी कर देते ताकि दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, द वुडन टाइगर वाज कार्व बाय, वुडन टाइगर जो है किसके द्वारा कार्व किया गया था, नहीं बनाया गया था, ए मास्टर क्राफ्टमैन, जो ऐसा क्राफ्टमैन था जो मास्टर था, या अनस्किल कारपेंटर था, जो अनस्किल था, या फिर क्या है, शॉपकीपर हिमसेल्फ, दुकानदार खुद बनाया था, या फिर ब्रिटिश कारपेंटर, या फिर अंग्रेज का कारपेंटर था उसने बनाया था, कौन बनाया था बताइए। तो यहाँ पे चैप्टर पढ़े होंगे तो बताने की आवश्यकता है नहीं, अनस्किल था इसीलिए, तो उसमें मतलब खुरचा टाइप के, यानी कि रफ पूरा सरफेस बना दिया था, तो इसलिए वो है ना गड़ गया था हाथ में उनका, राइट हैंड में गड़ गया था, तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हाँ फोर्थ नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाच, ओरिजिनल जो कॉस्ट था किसका, यहाँ पे छोड़िए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाच, प्रेजेंट में जो प्रेजेंट देना चाहते थे अपने गिफ्ट बच्चा को, तो क्या था, 2 आना एंड क्वार्टर था, 2 आना एंड हाफ था, 1 एंड हाफ आना था, या फिर 3 आना था। तो 2 आना एंड क्वार्टर, हाफ था, या फिर क्या था, तो बताइए ऑप्शन बताइए, फर्स्ट होगा करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, 2 आना एंड क्वार्टर, क्वार्टर मैंने 1/4 और 2 आना, ठीक है, यानी कि इसको सवा, ये क्या बोलते हैं, 2 आना भी कह सकते हैं। इसके बाद आना कितना होता है, 50 पैसा, कितना का, 8 आना। हाउ ओल्ड, तो उसी के अनुसार आना देख लीजिएगा, हाउ ओल्ड वाज द किंग सन, किंग सन कितना ओल्ड, तो फिर यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 5 से, तो कभी भी नहीं भूलिएगा, कभी भी इस वर्ड को भूलिएगा नहीं, याद नहीं, याद कुछ भी, लेकिन 3 याद है ना, कि 3 रखना है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में 3 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। 6, द 10th टाइगर हैड बीन शॉट डेड, सवा टाइगर क्या मारा गया था, या 100 टाइगर फेंटेड, या फिर मूर्छित हो गया था, या फिर हैड डिसअपेयर, या फिर दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर बीन सेट फ्री, या फिर वह भाग जा चुका था। तो यहाँ पर क्या था, हैड बीन डेड, यानी कि वह मारा गया था, फेंटेड मूर्छित हो गया था, क्या था बताइए, जो समर टाइगर था, तो पढ़े होंगे चैप्टर, तो मैंने बताया था कहा क्या, फेंटेड यानी मूर्छित हो गया था, ठीक है, तो मूर्छित हो गया था, तो मूर्छित हो गया था यानी फेंटेड। चलिए 7th नंबर क्या बोला, द ओल्ड टाइगर हैड बीन बाउड फ्रॉम, ओल्ड टाइगर जो है कहाँ से लाया गया था, तो कलकत्ता से लाया गया था, या फिर बिजनेस जो भी है, कलकत्ता पार्क, बिजनेस पार्क, लेजर पार्क, या फिर पीपल्स पार्क, तो चैप्टर तो पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पीपल्स पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जब देगा ना, एमसीक्यू में तो यहाँ से जरूर दे देगा, जरूर फिक्स के दे देगा। चलिए 4th नंबर थोड़ा सा बड़ा, इसको पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा है, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग अस्क दीवान, एकदम पूरा फ्रस्ट्रेटेड थे, राजा थे, एकदम बेचैन थे, तो दीवान से क्या बोलते हैं,
क्या करने के लिए बोलते हैं, टू रिजाइन, तुम रिजाइन दे दो रिजाइन के लिए, या फिर टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन द सर्च ऑफ टाइगर, या फिर तुम दूर दूर जाकर टाइगर को खोजो, या फिर टू इन्वाइट ब्रिटिश ऑफिसर, या ब्रिटिश ऑफिसर को इन्वाइट करो, या फिर टू गेट अ टाइगर फ्रॉम क्या है मदरसा जू से टाइगर ले आओ। तो नहीं, फ्रस्ट्रेट थे, पूरा गुस्सा में थे, बोले थे कि तुम रिजाइन क्यों नहीं दे देते हो, अभी भी जानते हो कि मैं हमको 30 टाइगर और मारना बच चुका है, ठीक है ना, रिजाइन के लिए बोलते हैं। या उन लोग को ऐसा भी डर हो जाता है कि रिजाइन देना पड़ेगा, हमको हटना पड़ेगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन तो कि बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल जाएगा तो हम लोग को सब रिजाइन पद देना होगा इस प्रकार से, लेकिन राजा भी बोला था उन लोग को कि तुम्हारे जब कंट्री में मिल जाएगा ना, क्या बोलते इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तुमको रिजाइन देना होगा, इसीलिए क्या करो डबल लैंड टैक्स बढ़ा दो हर जगह। देखे थे ना ऐसा किया था, पर गुस्सा हो गया था ना उसको, वहाँ पे टाइगर मिल भी नहीं रहा था इसके कारण। और ऐसे भी राजा को बोला था कि 30 टाइगर और मारना है, तो रिजाइन के लिए बोला था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर वेंट टू द, कह रहा है कि महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर क्या भरेगा, वेंट टू द मद्रास जून, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर, ऐसे कर दिए थे, या फिर वेंट टू लाइफ इन द जंगल, या फिर जंगल में स्वयं चले गए थे, या गेव अप द आइडिया कम्प्लीटली, जो आइडिया इनको मिला था उसको कम्प्लीटली छोड़ दिए थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, महाराजा और नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, लास्ट टाइगर जब वो नहीं प्राप्त कर पाए थे, नहीं खोज पाए थे, तो क्या किए थे, मद्रास जू चले गए थे, टर्मिनेटेड सर्विसेज, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज मतलब ऑफिसर को हटा दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 10th नंबर देख लीजिए। ठीक है, करा ईच टाइम द महाराजा विजिटेड इन द फादर इन ला फिकिल टाइगर, अब बताइए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, प्रत्येक समय जब राजा जाते थे कहाँ पर, फादर इन ला अपने ससुराल में जाते थे, तो हिकिल कितने टाइगर को मारते थे बताइए, 1 से 2, 5 से 6, या 9, 10, 12, 13, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही पूर्ण रूप से करेक्ट हमको लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखिए, इन द 10 ईयर वीवीआई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर हंटिंग एक्सपेंडिशन, जो हंटिंग का कार्यक्रम 10 सालों तक जब चला, तो महाराजा क्या है अभी एक्सपेंडिशन क्या होता है अभियान या कार्यक्रम जो भी, तो महाराजा किल कितने टाइगर को मार दिए थे 10 सालों के अंदर, तो 30, 50, 70 या फिर 90, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो यहाँ पर 70 करेक्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, महाराजा एंड दीवान दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है, द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम, तो क्या किए थे, इंटरटेन किए थे उसको, ब्राइब यानी कि घूस दिए थे, या फिर पैसिफिक शांति की बात किए थे, या फिर कन्फ्रोंटेड मतलब कि उसको एक तरह से कन्फ्रोंटेड मैंने उसी वाला शांति वाला विचार रखना या फिर डराना, तो या फिर इसका कन्फ्रोंटेड का एक तरह से सामना करना भी होता है, तो यहाँ पर बताइए क्या किए थे दोनों, दीवान और राजा मिल के ब्रिटिश ऑफिसर को मतलब ब्रिटिश ऑफिसर से अपने किंगडम को बचाने के लिए क्या किए थे बताना है यहाँ पे, उसको इंटरटेन किया तो उसको घूस दिए थे, पेसिफाई या फिर क्या पेसिफाइड है शांत करना है फिर उसको दबाना, तो यहाँ पर उसको तो ब्राइब घूस दिए थे, उसके पत्नी को क्या किए थे घूस दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या भरेगा, बिकम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन, जो राजा का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या बन गया था, इंग्लिश जस्टिस गवर्नेंस या फिर टाइगर हंटिंग, तो टाइगर हंटिंग ही इसका मेन ऑक्यूपेशन बोला, सबसे पहले टाइगर को मारेंगे उसके बाद ही कोई काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 14 नंबर, द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन ए टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन, टाइगर हंटिंग कार्यक्रम जाने का उसका विश था, या फिर टू जंगल जाने का विश था ब्रिटिश ऑफिसर का, या फिर इन्वेस्टिगेट द डिक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन, या फिर टाइगर पॉपुलेशन जो घट रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने का काम था, विश था मतलब जाने का वो चाह रहा था, एक तरह से इच्छा कर रहा था, या रिमूव द टाइगर किंग, टाइगर किंग को हटाना, तो यहाँ पे उसका एक ही इच्छा था, टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन यही करने के लिए विश था, विश टू गो ऑन टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन, उसको यहाँ जाने का इच्छा था, ठीक है, या विश करता था जो भी। 15 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड दैट ही वुड, फिर द ब्लैंक से क्या होगा, इफ द किंग किल्ड द 100th टाइगर, तो एस्ट्रोलॉजर स्टेट दैट, एस्ट्रोलॉजर मतलब कि स्टेट दैट ही वुड, वह क्या बोला, वह क्या करेगा, इफ द टाइगर किल्ड 100th टाइगर, अगर किंग 100 टाइगर को मार देते हैं तो वह क्या करेगा, तो ऐसा वह क्या बोला था क्या करने के लिए, स्टेटमेंट क्या बोला था क्या करने के लिए, तो बताइए, लीव द स्टेट को छोड़ देगा, किल हिमसेल्फ अपने आप को मार लेगा, कट हिज फेयर, कट हिज हेयर अपने बाल को काट लेगा, या फिर डिनाउंस द वर्ल्ड, डिनाउंस क्या बताते हैं।
डिनाउंस मतलब कि आरोप लगाना या फिर दोष लगाना जो भी। तो यहाँ पर क्या क्या करेगा, तो बोला था कि मैं अपने हेयर को काट लूँगा, यानी कि कट हिज हेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। ठीक है, 16, चलिए 16 क्या बोल रहा है, द टाइगर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट दैट, ठीक है, प्रेडिक्टेड दैट नो हार्म वुड कम टू द टाइगर किल किंग टिल द किलिंग ऑफ, कितना जो एस्ट्रोलॉजर था वो प्रेडिक्ट करके बताया था कि कोई भी इनको हार्म नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, टिल द टाइगर किलिंग ऑफ, कितने टाइगर को मारेंगे तो इनको कोई भी दिक्कत कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होंगे, 99 तक तो आप एकदम लगातार ऐसे ही मारते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 100 टाइगर में आपको क्या होना होगा, एकदम सचेत होना होगा। तो वही कह रहा है कि नो हार्म वुड कम, यहाँ तक कोई हानि नहीं आएगा जब तक कि मतलब कि 99 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 99 है, 17 चलिए क्या बोल रहा है, व्हाट कैरेक्टर कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ प्रिंस रिवेल्स व्हेन द अटर द वर्ल्ड लेट्स टाइगर बी अवेयर, जब अटर वर्ल्ड मैंने ऐसे अटर किए थे, मैंने उच्चारण किए थे, लेट टाइगर्स बी अवेयर जब बोले थे, तो कौन सा कैरेक्टरिक ट्रेट या कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ प्रिंस इज रिवेल्ड, मैंने प्रिंस का कौन सा कैरेक्टर एक तरह से दिखता है, यहाँ पर बताता है इस वर्ड को बोलने से कौन सा झलकता है दिखता है, बताइए, ह्यूमिनिटी मानवता का गुण, मानवता का कैरेक्टर, फिर एगोरेंस गुस्सा, प्राइड गर्व या विल पावर जो आत्मशक्ति होता है, तो गुस्सा या घमंड भी यहाँ पर होता है, तो एगोरेंस यहाँ पर करेक्ट होंगे। ठीक है ना, एगोरेंस मतलब कि एक तरह से गर्व होता है, गर्व या हेकड़ी हेलना, तो यहाँ पर जो ना होता है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होंगे। ठीक है, बोले थे अब टाइगर सब एकदम सचेत हो जाओ, लेट टाइगर्स बी अवेयर, सब जागरूक हो जाओ, तो यहाँ पर उनका हेकड़ी को दिखाता है, यानी कि उनका घमंड को दिखाता है, प्राइड में भी घमंड होता है लेकिन प्राइड थोड़ा सा गर्व के बाद भी हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाउ ओल्ड, रुक जाइए पढ़िए थोड़ा खुद से पढ़िए, करे हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, रेडिक्यूल मैंने उपहास करना, हंसी मजाक करना, तो जब एस्ट्रोलॉजर्स को हंसी मजाक यानी उसका उपहास कर रहे थे, तो कितने साल के थे, कौन प्रिंस, प्रिंस करने मतलब टाइगर किंग, तो मात्र 10 दिन के थे या फिर मात्र 10 वीक के थे या 10 मंथ के थे या फिर 10 ईयर के थे, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको पकड़ा गया होगा, मात्र बोले भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। चलिए द महाराजा ऑफ, थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट लाइन था, तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 20 क्या बोल रहा है, द काल्की, ठीक है, जो राइटर थे, ऑथर ऑफ द क्या टाइगर किंग, ही यूज टू बैकग्राउंड द डेज ऑफ क्या डोमिनेशन देयर सब्जेक्ट, तो मतलब किस बैकग्राउंड पे जो कहानी लिखे थे, मतलब किन दिनों के राजा के बारे में बात की है, द डेज ऑफ मैंने कैसे राजा थे डोमिनेशन देयर सब्जेक्ट, मैंने अपने जो सब्जेक्ट उनका था, जो उनका माइंडसेट था उस पर डोमिनेशन करते थे, अपना प्रभुत्व जमाए रखते थे, तो कैसे राजा की बात की है, जस्ट मैंने बस ऐसे सिंपल, या ब्रेव बहुत बहादुर राजा, या फिर क्या है इसेंट्रिक, और मतलब कि इच्छुक, इसका बता देख सकते, फिर क्या है ग्यूलिएबल, मतलब कि दोनों वर्ड मीनिंग थोड़ा सा इसको देखना हो क्या था, देखिए क्या होता है इसेंट्रिक मतलब सन की, या फिर क्या था ग्यूलिएबल मतलब भोला भाला इंसान जो होता है, तो किस टाइप के राजा थे, तो यहाँ पर तो राजा ब्रेव बहादुर, उसके बाद सन की ज़्यादा थे, बहादुर थे लेकिन अपने आप को एकदम सन की ना होता, सन की क्रेजी, तो क्रेजी टाइप के थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 21 क्या करा, वाट वाज, एक सेकेंड ठीक है, वाट शो द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या चीज़ फॉल्स में दिखाया गया है ईगो एंड प्राइड को, तो बताना कि सच उनके बारे में, मतलब कि जो वह ईगो प्राइड गर्व करते थे घमंड करते थे तो फॉल्स था, वो कोई मायने नहीं रखता था, तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया, हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर द नेचर, वह टाइगर को मारते थे और मतलब नेचर के बारे में कुछ सोचते विचार नहीं करते थे, ऐसा था। ठीक है, किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, या फिर हिज डिजायर टू मैरी, शादी करने वाला बात, या फिर हिज ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय उनका जो ऑर्डर था वैसा बात था यहाँ पर, फिर नन कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फाल्स ईगो एंड प्राइड को दिखा रहा है कि हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, नेचर के लिए कुछ सोचना विचारना नहीं और लगातार सिर्फ और सिर्फ टाइगर को मारना, तो यही जो था ना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक
बस टाइगर को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं और नेचर के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, तो यही यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बस उसको मारना और कुछ भी नहीं सोचना अबाउट नेचर, नेचर का क्या होगा क्या नहीं होगा वैसा कुछ नहीं। मायोबिया कहाँ से नरेंद्र मोदी लाए थे, मायोबिया था ना, मायोबिया से 8 चीता को लाए हैं। तो क्यों लाएँ, यहाँ पर चीता आने से क्या फ़ायदा, चीता आने से पर्यटक स्थल बढ़ेंगे, देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, ऐसा थोड़े कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा भी है, तो बहुत कुछ फ़ायदा होता है, बहुत कुछ लॉस भी होता है, इकोलॉजी हम लोग का बैलेंस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो केवल मारते थे किसी को, टाइगर वगैरह को बचा के नहीं रहते। चलिए ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, 22, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, तो बताइए इस स्टोरी में, मेटामॉर्फिकल एक्सप्रेशन, आयरनी या फिर सार्किज्म या फिर ऑल। तो चैप्टर जब पढ़ा है तो स्टार्टिंग में बताते हैं यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया, आयरनी यानी कि विडम्बना हो रहा था, विडम्बना जो कि विश्वास करने लायक नहीं होता, रियलिटी में कुछ और रहता है और होता कुछ और है। जैसे कि देखिए, राजा तो काफ़ी बहादुर थे, टाइगर किंग, टाइगर के मारने वाले थे, तो एक 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 मतलब कि छोटा, मतलब क्या बोलते हैं, लकड़ी का टाइगर, उससे उनका मौत हो गया, तो ये विश्वास करने वाली बात नहीं था। टाइगर किंग मतलब थे और एक एक सिंपल टाइगर से मर गए, यानी कि जो लकड़ी से होता है, कोई नहीं विश्वास करता कि टाइगर से कहीं मरेंगे, टाइगर से इतना लड़ते थे, तो वही जो टाइटल था ना, टाइटल में आयरनी छिपा हुआ है कि इतने बहादुर राजा एक लकड़ी वाले टाइगर से मर जाते हैं, तो वही टाइगर किंग को थोड़ा सा उपहास, यानी कि उपहास तो नहीं, तो सेटायर उपहास था, आयरनी यहाँ पर विडम्बना देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। हम पढ़ाए थे ऐसा नहीं, टाइटल टाइटल जब बताया था तो उसमें बता दिए थे। ठीक, वो तो काल्की सेटायर करते हैं जो पावर में होते हैं, तो थोड़ा सा व्यंग करते हैं। अच्छा, व्हाट द बर्थडे गिफ्ट ऑफ द डिड द महाराजा सेंड फॉर द 3 ईयर ओल्ड सन, क्या दिए थे बर्थडे गिफ्ट में, टॉय था, गोल्ड कॉइंस था, फॉरेस्ट या फिर ए टॉय टाइगर। तो अभी बात कर रहे थे इसी का, तो इसी को दिए थे ना, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिशियल वाइफ, ब्रिटिश ऑफिशियल वाइफ को क्यों सेंड किए थे, क्या रिंग्स डायमंड क्यों भेजे थे, टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, यानी कि अपने स्टेट को बचाने के लिए, और ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और टू इन्वाइट देम फॉर हंटिंग, उनको शिकार करने के लिए, टू इन्वाइट देम फॉर फीस्ट, उनको मतलब कि आइए फीस्ट में क्या होता है, वही मवेशी या जानवर, या फिर टू फाइंड मोर टाइगर, या फिर ज़्यादा टाइगर को बुलाना, या फिर बुलाने मतलब क्या क्या यहाँ पे हंटिंग करिए, फीस्ट में भोजन खाने, भोजन के लिए होता है, भोजन बुलाना, या फिर फाइंड मोर टाइगर, ज़्यादा टाइगर खोजने, तो किस के लिए, टू सेव हिज स्टेट, प्लीज़, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, देख लीजिएगा अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए ठीक है, 25, व्हाई वाज द महाराजा एनेक्सियस टू किल हैंड्रेड टाइगर, हैंड्रेड टाइगर को मारने के लिए वह काप मतलब इतना इच्छुक क्यों थे, ऐसा क्यों थे राजा, बताइए, टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूफ प्रेडिक्शन रॉन्ग, अपने सिक्योरिटी को बचाने के लिए, और जो प्रेडिक्शन हुआ था उसको रॉन्ग साबित करने के लिए, जो भविष्यवाणी किए थे एस्ट्रोलॉजर लोग, इसके लिए, टू प्रूव हिज हाउंटिंग स्किल, हाउंटिंग स्किल को प्रूव करने के लिए, या फिर टू प्रूव हिज पावर को प्रूव करने के लिए, फिर नन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। चलिए, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, अपने सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए महाराजा क्या किए, ही ओन टाइगर, टाइगर खरीद लिए, या फिर मैरी ए प्रिंसेस, शादी कर ली, प्रोहिबिट ब्रिटिश ऑफिसर एंट्री हिज टेरिटरी, या फिर ही किल टाइगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, एक सेकेंड, टू प्रोहिबिट ब्रिटिश ऑफिसर, अच्छा तो ब्रिटिश ऑफिसर इसलिए रोके थे ना कि टाइगर किलिंग ना हो, तो यहाँ पर टाइगर को मार रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, अपने सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वही मारने लगे थे कि सारे टाइगर को मार देंगे, तो चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, कभी कभी आंसर गलत भी देता है तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, आयरनी क्या था बताइए, आयरनी, टाइगर डिजायर टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, ये था टाइगर, टाइगर किंग्स डिजायर टू मैरी शादी करने के बाद, या फिर किंग्स डिजायर टू किल टाइगर्स, या फिर क्या है, किल 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ ए टॉय टाइगर, यही आयरनी था कि टाइगर किंग कहे जाने वाले 99 को तो मार देते हैं, अब एक टॉय टाइगर से मर जाते हैं, तो विडम्बना था, कोई विश्वास नहीं कर पाता, तो ये टाइगर किंग कैसा हुआ था, तो आयरनी देखने को यही मिलेगा। चलिए ठीक है, 28, व्हाई डिड द महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों कर दिए थे बताइए, अपने राज्य में, टू प्रूव द टाइगर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, या फिर प्रिस्ट प्रेडिक्शन, जो पुरोहित लोग का प्रेडिक्शन भविष्यवाणी को रॉन्ग साबित करने के लिए, टू प्रूव हिज पावर, प्रूव करने, टू शो हिज लव फॉर एनिमल, को लव दिखाने के लिए, फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, हिज किंडनेस टुवर्ड द एनिमल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, इसलिए रोक दिए थे कि हम प्रेडिक्शन आप लोग का गलत साबित होगा, गलत साबित कर देंगे। 29, हु एक्चुअली शॉट द हैंड्रेड टाइगर, रियल में जो हैंड्रेड टाइगर को कौन मारा बताइए, कौन मारा, वन ऑफ द हंटर्स हु कंपेन द किंग, जो किंग के साथ में, जो वन ऑफ हंटर्स में शिकारियों में से एक था जो
राजा के साथ था तो वही मारा था, या फिर सोल्जर मारा, किंग मारा, ब्रिटिश से मारा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होंगे, ठीक है 29 का ए। चलिए 30 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट बिकम द काउज ऑफ किंग डेथ, मतलब राजा के मरने का क्या कारण बना, ए टाइगर, एक शेर था, या टाइगर फ्रॉम हिज वाइफ फॉरेस्ट, या फिर एक ऐसा टाइगर था जो उनकी वाइफ फॉरेस्ट करने, मतलब जहाँ वे शादी किए थे वहाँ का फॉरेस्ट से, या फिर टाइगर हिज स्टेट, उनके स्टेट का टाइगर से, या फिर द वुडन टाइगर फ्रॉम टॉय स्टॉप, ये टाइगर था जो यहाँ पे, तो यही कारण बना था ना, लकड़ी का जो टाइगर था टॉय शॉप से जो खरीदे थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 31 क्या है, बोल रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है, अभी तो कभी नहीं मिला था, लेकिन थीम क्या बोला, डिजायर ऑफ पावर, पावर का इच्छा के बारे में, या फिर डिजायर टू हैव ए पावर, वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, ऑप्शन नंबर बी, या फिर डिजायर टू हेल्प अदर, या डी, ऑप्शन नंबर बी, बोला कि डिजायर टू हैव पावर, वन सेल्फिश कैरेक्टर, ऐसा डिजायर दिखाने के लिए कि जो पावर में होते हैं कोई एक व्यक्ति वो खुद अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है यहाँ पर, खुद इंटरेस्ट, नोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, यानी कि लोगों के कल्याण के बारे में नहीं, बस अपने इंटरेस्ट को, कौन, वही डिजायर टू हैव ए पावर, जो पावर को इच्छा रखा अपने अंदर, जिसके अंदर डिजायर है कि मेरे अंदर पावर है, वो अपने आप को दिखा रहा, तो इसी थीम पर बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 32 क्या बोल रहा है, वेन डिड द प्रिंस मैरी, प्रिंस का शादी कब हुआ था बताइए, एट द एज ऑफ 20 सालों में, वेन ही किल द फर्स्ट टाइगर, या पहला टाइगर को तो मारे गए तब, या फिर आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, ये सारे टाइगर को मारने के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होना चाहिए, जब 20 साल के हो गए थे, ठीक है ना, तो कहाँ से आ गया था याद है, स्टेट ऑफ वाट्स, या फिर उसका क्या नाम था, कोर्ट ऑफ वाट्स है ना, कोर्ट ऑफ वाट्स से 20 साल में राजा बन गए थे। चलिए आफ्टर किलिंग द ऑल टाइगर इन द स्टेट, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे सोच रही कि प्रिंस मतलब कि राजा कब बने थे, वैसा नहीं, राजा शादी कब किए थे, तो आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर्स इन स्टेट, अपने स्टेट में सारे टाइगर को मार दिए थे तब शादी किए थे, ठीक है थोड़ा सा ध्यान नहीं देख लो तो। चलिए व्हाट एट व्हाट इज द बॉय क्रोन हैज किंग, जो लड़का था वो राजा कब बना था, यहाँ पर आ गया वो उसको वहाँ बोले थे, तो लड़का नहीं, जो टाइगर किंग राजा कब बने थे, तो एज कितना था उनका, 20 ईयर था ये बताएं जस्ट, तो यहाँ पर 20 था, ठीक है। चलिए हाउ डिड अ चाइल्ड ग्रो, जो बच्चा कैसे बड़ा हुआ, कौन बच्चा हुआ, टाइगर किंग ड्रिंकिंग गोट्स मिल्क ऑफ लाइक द और रॉयल फैमिली, जो बकरी का दूध पी के, या फिर ड्रिंकिंग बफेलो मिल्क लाइक द अदर रॉयल चिल्ड्रन, जैसे कि और राज्य परिवार के बच्चे बड़े होते वैसे बफेलो का, या फिर ड्रिंकिंग काउ का अदर देन चिल्ड्रन, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बफेलो का था, ठीक है बफेलो याद रखिएगा, तो बफेलो मिल्क लाइक रॉयल फैमिली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक बफेलो में, ठीक है। 35 व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट, एस्ट्रोलॉजर क्या भविष्यवाणी करता था, द बॉय हु बिकम ए किंग, बताया कि बॉय विल बी ए किंग, बॉय जो लड़का है राजा बनेगा, द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, बॉय पूरा वर्ल्ड को विजिट करेगा, या फिर द किंग विल बी किल बाय द हैंड ऑफ टाइगर, जो किंग है विल बी किल बाय द हैंड ऑफ टाइगर द्वारा मारा जाएगा, या फिर नन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड एब्सोल्युटली राइट। चलिए हु वाज दुराईसानी, दुराईसानी कौन था, एन ओल्ड लेडी, कौन थी या कौन था, तो स्त्रीलिंग है, एन यंग लेडी, या फिर एक ग्रीडी वुमन, एक लालची वुमन थी, वाइफ ऑफ द हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, या फिर नन, तो बहुत सारे पढ़े लिखे जो तेज स्टूडेंट होंगे बता दिए होंगे कि भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो चलिए ठीक है। 37 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड क्या बोल रहा है, अंडर हुज रूल वेयर किंग लिविंग, किंग कौन से रूल के अंदर रह रहे हैं, तो सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, जो सोवरेनिटी इंडिया क्या है, सोवरेन कंट्री है, यानी कि बाहर का कोई हम पे हमला नहीं कर सकता है, मेरे कंट्री का कोई जो हेड होता है रिपब्लिक, तो सोवरेन भी होता है, क्वीन रूल, या फिर किंग रूल, या फिर अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश, तो यहाँ ब्रिटिश रूल के अंदर पे काम कर रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए सोवरेन तो आज़ाद होने के बाद हम लोग बने ना, ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग इज सेटायर ऑन, कौन से मुद्दे पे टाइगर किंग जो स्टोरी है वह सेटायर के मतलब उस पर सेटायर किया गया है, सेटायर ऑन किस पे सेटायर ऑन मतलब कि उपहास करना, बताया था ना व्यंग करना, तो ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग इज सेटायर ऑन, किस मुद्दे पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टाइगर किंग एक सेटायर के रूप में दर्शाया गया है, ऑन पीपल लोगों पे, ऑन एनिमल पे, ऑन बर्ड्स पे, या ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड क्या सबॉर्डिनेंस ऑफ द पावरफुल पीपल, या फिर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी मिल चुका है करेक्ट, लेकिन
यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे कि सबोर्डिनेंस मैंने क्या होता है हर्ट, तो हर्ट करने वाले ऐसा दिखाते हैं जो फाल्स प्राइड ईगो सब बेकार है, पावरफुल ऑफ द पीपल, तो इसी पर दिखाया गया ना कि सेटायर किया गया कि जो एक सेकंड यहाँ पे इसका आंसर हिंदी बताते हैं ऑन द फाल्स प्राइड ईगो एंड सबोर्डिनेंस ऑफ पावरफुल पीपल, इसी पर सेटायर किया गया है कि जो जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फाल्स आपका प्राइड सब कुछ आपका गलत है, तो यहीं पर सेटायर व्यंग कर रहा है पावर में, लेकिन आपका कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी चलिए 39। फ्रॉम वेयर डिड आउथर डेराइव हिज नेम, आउथर का नेम कहाँ से आया था, तो स्टोरी में ऐसा पढ़े नहीं थे, स्टोरी पढ़े नहीं थे, प्रीफिक्स ऑफ हिज नेम, सुफिक्स ऑफ हिज नेम, सुफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम, इसका आंसर देखिए, आंसर देखिए, सुफिक्स प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सुफिक्स जो बाद में लगता है, फ्रॉम द सुफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ नेम, इनका जो नाम है पूरा नाम तो स्टोरी में बताया नहीं है, आज बताएंगे पूरा नाम आगे मिलेगा, पूरा नाम इनका क्या था, तो इनका जो पूरा नाम था तो पूरा नाम कैसे था, सुफिक्स ऑफ हिज उनका सुफिक्स, वाइफ का सुफिक्स एंड हिज वाइफ नेम दोनों का सुफिक्स ही, यानी जो लास्ट में लगता तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम था। तो देख लेंगे इनका नाम क्या था, नाम यहाँ पे आ गया हु इज द आउथर ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का नाम क्या था, तो यहाँ पे कालकी तो कहीं दिया नहीं, लेकिन उनका इनका शॉर्ट में कहते थे कालकी, कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति कालकी जो भी, तो चैप्टर में नहीं था लेकिन याद रखिए जिनका कृष्ण मूर्ति करके नाम था, तो वही पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति, तो इनको कालकी शॉर्ट में, तो ठीक है कृष्ण मूर्ति कालकी भी बोला जाता था इनको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नन लगा देंगे, जो पढ़े नहीं है तो जान जाइए ना, इसीलिए तो बोले कि एमसीक्यू पढ़ लीजिए, हर एक टॉपिक से रूबरू हो जाइएगा, जान जाइएगा कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको नेट भी गूगल वगैरह भी करके देख सकते हैं, पूरा नाम दिखा देगा। ठीक है ना, तो कृष्ण मूर्ति कालकी या फिर कालकी कृष्ण मूर्ति करके देगा तो देख लीजिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, वाई डिड द, क्योंकि चैप्टर में बस कालकी दिया है, कहीं पर तो उनका पूरा नाम दिया नहीं था, वाई डिड द टाइगर नोट परमिट द ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक ए पिक्चर विथ द डेड टाइगर, मरा हुआ टाइगर के साथ तुमको पिक्चर नहीं खींचने देंगे, ऐसा मतलब क्यों परमिट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको बताना होगा क्यों ऐसा नहीं किए, तो टू प्रूव हिज माइट, अपने शक्ति को प्रूव करने के लिए, ही वॉज स्केयर ऑफ ब्रिटिश, डर रहे थे इसके लिए, बिकॉज ऑफ इट वॉज द अगेंस्ट ऑफ रूल्स ऑफ इज स्टेट, इसके लिए फिर नन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का रूल था कि कोई भी नहीं मारेगा तो तुम ब्रिटिश ऑफिसर कैसे यहाँ हंटिंग कर सकते हो, इसीलिए उसको रोक दिए थे, अंदर आने नहीं दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, 42 क्या बोल रहा है, हाउ वॉज द राइटर हैज प्रूव द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग डिजायर, आउथर जो राइटर है वह कैसे प्रूव करते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ किंग डिजायर, यानी जो इनका जो मतलब कुर्ता वाला जो डिजायर था इनका इच्छा था, तो उसको कैसे प्रूव किया, बाय शोविंग हिम विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, दिखा के किसे टॉय टाइगर मतलब कि एक टॉय टाइगर का दोषी हो गया, बाय शोविंग हिम इज पावरफुल किंग, पावरफुल दिखा के, बाय मेकिंग द किल 99 टाइगर एफ इन ऑल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, 99 टाइगर को दिखाकर यहाँ पर बाय शोविंग हिम, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे समझिए, देखिए जो राइटर है क्या बोला कि हाउ हैज़ द राइटर हैज़ प्रूव द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग डिजायर, जिस जो राइटर है लेखक है तो कैसे प्रूव करते फ्यूटिलिटी ऑफ किंग डिजायर, करना मतलब कि फ्यूटिलिटी में होता व्यर्थता, तो राजा का जो डिजायर था वो व्यर्थ गया, तो कैसे प्रूव करें कि व्यर्थ गया, तो भाई शोइंग हिम ए विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, वही दिखाकर कि बस किसका दोषी होगा, एक टॉय टाइगर से वो दोषी होगा, विक्टिम होगा, शिकार होगा, तो ये दिखा, ठीक है ऑप्शन नंबर, इसी पर उनका सारा डिजायर क्या गया, व्यर्थ गया, भाई शोइंग हिम ए पावरफुल किंग करके यहाँ पर व्यर्थ जाएगा 99 टाइगर पहले देखेंगे, तो यहाँ पर तो ठीक है 43। वाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका मोरल क्या है, नैतिक क्या है स्टोरी का, पावर मेकर्स पावरफुल, शक्ति हमको शक्तिशाली बनाता है, या फिर पावर इज मीनिंगलेस बिफोर क्या है डेस्टिनिटी, जो पावर का मतलब कोई नहीं होता है बिना मतलब भाग्य का, जैसे कि भाग्य बिफोर मतलब हमेशा पीछे नहीं होता, बिफोर मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनिटी, यानी कि भाग्य के सामने पावर मीनिंगलेस है, भाग्य के सामने पावर का कोई मायने नहीं रखता है, जो भाग्य में रहता है वही होता है, आप कितना ही पावर दिखा लीजिए, आप 99 टाइगर मार लीजिए, लेकिन आपको मरना है एक टाइगर से ही, भले वह खिलौना का टाइगर हो कोई भी टाइगर हो, लेकिन टाइगर से मरना है, भाग्य में लिखा है, तो वही बोला है कि पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के सामने पावर का कोई मतलब नहीं होता है, और तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। ठीक है, तो बिफोर मैंने पीछे सामने सब होता है, तो वर्ड के कहाँ पे यूज किया जा रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ या फिर शब्द सेंस निकलता है, तो ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट प्रूव द दीवान रिसोर्सफुलनेस, हिज विट्स, हिज इंटेलिजेंस, हिज एबिलिटी टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास या फिर नॉन,
व्हाट प्रूव द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस, क्या यहाँ पर प्रूव करके बताता है कि जो दीवान था वह रिसोर्सफुलनेस को यानी कि रिसोर्स को मतलब कि एक काम किया, एक अच्छा काम किया जो कि हमको संसाधन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एबिलिटी टू मैनेज द टाइगर इन मद्रास में टाइगर को मैनेज करा दिया था, तो यही इसका था विस्ट में इसका बुद्धि नहीं, इसका इंटेलिजेंस नहीं, ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है 40 पावर क्या है, नहीं ठीक है लास्ट चलिए। तो इसका आंसर तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, और वीडियो आपका 30 मिनट का बनता है, 30 मिनट का बन चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बस हाफ आवर पढ़ते हैं, पढ़ गए तो हाफ आवर पढ़िए और इसको मेंटेन रखिए। व्हाई डू द महाराजा डाउट, क्या डबल द टैक्स, डबल क्यों कर दिया था, इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ द शीप एंड टू फाइंड अ हिडन टाइगर टू रेज द फंड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट एंड नन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, इन द रेज ऑफ अगेंस्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ शीप, यानी कि शीप नहीं दिख रहे थे, डिसअपीयर हो गए थे वहाँ पर शिप, मतलब नहीं दिख रहे थे, साथ ही साथ तो गुस्सा निकला, टू फाइंड हैंडेड टाइगर, सवा टाइगर को फाइंड करने के लिए वहाँ थोड़ा परेशानी में आ गया था, इसी कारण गुस्सा में क्या किया कि भेड़ गया देखने, तो वहाँ भेड़ भी नहीं, भेड़ भी गायब हो रहे थे, तो भेड़ कौन गायब कर रहा था, सवा टाइगर गायब कर रहा था, तो सवा टाइगर को खोजने गया तो वहाँ मिल नहीं रहा था, तो इसे गुस्सा में क्या किया, टैक्स फैक्स बढ़ा दो पूरा एकदम भयानक कर दिया था। तो यहाँ पर उस टाइप के भी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, फंड वगैरह तो बढ़ेंगे, कुछ काम नहीं करा तो फंड में काम देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होंगे, गुस्सा में ऐसा काम किया था। तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो करिए, करिए हमसे बातचीत करिए जो भी करना होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही पढ़ने के लिए आगे जुड़ जाइए, और आगे आपका जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसको पढ़ने के लिए रेडी रहिए। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।